हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आंवला अक्षय नवमी शुभ तिथि, पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक चमत्कारिक उपाय के बारे में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और साथ ही फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन अक्षय नवमी या आंवला नवमी मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा पाठ स्नान दान तर्पण से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान विष्णु जी को सबसे प्रिय आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु जी आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इसलिए इस दिन जो भी लोग आंवले के पेड़ की पूजा कर दान पुण्य के कार्य करते हैं तो उन्हें जीवन में सौभाग्य और उन्नति मिलती है। आइए बात कर लेते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्षय नवमी तिथि होगी 12 नवंबर शुक्रवार को। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर सुबह 5:51 पर। नवमी तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर सुबह 5:31 पर। अक्षय नवमी पूजा का शुभ समय होगा सुबह 6:41 से दोपहर 12:05। आइए बात कर लेते हैं आंवला नवमी पूजा विधि के बारे में। आंवला नवमी दिवाली के 9 दिन बाद मनाई जाती है। इस बार यह 12 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले आंवले के पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाकर उस पर रोली अक्षत फूल अर्पित करें। इसके बाद कच्चा सूत लपेटकर आंवले के वृक्ष की 7 परिक्रमा लगाएं और फिर आंवले के पेड़ की जड़ पर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद आंवला नवमी की कथा सुनें या पढ़ें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से रोगों का नाश होकर सौभाग्य और समृद्धशाली जीवन की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं आंवला नवमी पर किए जाने वाले उपाय के बारे में। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अक्षय नवमी के दिन सत्कर्म, पूजा पाठ, दान धर्म के उपाय करता है तो उसके द्वारा किए गए इन कार्यों का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन आप जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका पुण्य कई जन्मों तक आपको प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार अक्षय नवमी तिथि के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और साक्षात शिव जी का निवास होता है, जो आपको सौभाग्य प्रदान करते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन करना श्रेष्ठ होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के अलावा भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करें और पूजा के बाद जरूरतमंद को कुछ दान करें। दान की सामग्री में आंवला भी रख दें ताकि आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप आंवला नवमी के दिन आंवले का पौधा लगाते हैं तो इस उपाय से घर में कभी धन की कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि का सदैव वास रहे। इसके लिए आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाएं। जब आप इस दिन आंवले के वृक्ष में जो जल दें तो उस जल में चंदन व हल्दी मिलाकर अर्घ दें। इससे आपको धन लाभ होगा। जय श्री हरि।